नमस्ते, हेलो, हाय, क्योरा, आदाब, सलाम, सस्रेकाल, वेलकम है हमारे इस चैनल पर आरजे सरकार राज पर। एक बार फिर से थैंक यू वेरी मच चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, इसे पसंद करने के लिए, अच्छे भले बुरे फीडबैक देने के लिए, क्योंकि इसी से हम बेहतर से और भी बेहतरीन होंगे। तो आज की वीडियो किस बारे में है? आज की वीडियो है 2025 की कुछ बड़ी फिल्में जो कि थिएटर्स को बदल देंगी एक बहुत बड़े स्टेडियम में। तो बहुत बड़ा बवाल कटने वाला है 2025 में। सरकार तो अभी बन जाएगी, लेकिन ये जो फिल्में बन रही हैं या फिर एंड ऑफ दिस ईयर फ्लोर पे जाएंगी और अगले साल जब ये फिल्में रिलीज होंगी तो वाकई एक कोहराम मच जाएगा, धमाका आ जाएगा, बवाल हो जाएगा। तो कौन सी ऐसी फिल्में हैं, सनी देओल की या फिर सलमान खान की, शाहरुख खान की, ऋतिक रोशन की, रणबीर कपूर की, अजय देवगन की, प्रीटी जिंटा भी वापस आ रही है और साथ में ऐसे एक्टर डायरेक्टर का पेयर वापस आ रहा है जिनको हमने 90s में पसंद किया। तो यही सारी बातें रहेंगी इस वीडियो में, कहीं मत जाएगा और जरूर देखिएगा एंड तक कौन कौन सी बड़ी फिल्में आने वाली हैं 2025 में जो कि तहलका मचाने वाली। तो सबसे पहले बात करते हैं लाहौर 1947 की। इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं आमिर खान। आमिर खान प्रोडक्शन इस फिल्म को लेकर आ रहे हैं और पहली बार आमिर खान और सनी देओल एक साथ नजर आएंगे। हालांकि एज ए प्रोड्यूसर नजर आ रहे हैं आमिर खान सनी देओल के साथ। इससे पहले आमिर खान नॉट डायरेक्टली बल्कि इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहे हैं सनी देओल की फिल्म्स के साथ। चाहे उनके चाचा जो नासिर हुसैन साहब थे, उन्होंने फिल्म यादों की बारात डायरेक्ट की थी जहां पर धर्मेंद्र जी थे और चाइल्ड आर्टिस्ट का रोल किया था आमिर खान ने उस फिल्म में। बाद में नासिर हुसैन ने जबरदस्त और मंजिल मंजिल 1984 और 85 में जब डायरेक्ट की तो उसके असिस्टेंट डायरेक्टर थे आमिर खान। जब डर फिल्म यश चोपड़ा बना रहे थे, वो कंट्रोवर्सी तो आपको पता ही होगी, किस तरीके से आमिर खान को लेना चाहते थे, फिर सनी देओल आए, आमिर खान की इस फिल्म से एग्जिट हुई और शाहरुख खान इंटरव्यू, तो वो सारी कंट्रोवर्सीज तो रही। लेकिन इतने सालों के बाद पहली बार इन दोनों को एक साथ काम करते देखने में अच्छा लगेगा। ये भी माना जा रहा है कि एक कैमियो रोल भी करेंगे आमिर खान इस फिल्म में। लेकिन उससे बड़ी खबर इस फिल्म की ये है कि इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे नन अदर देन राजकुमार संतोषी। राजकुमार संतोषी और सनी देओल एक बहुत ही कमाल का पेयर रहा है, चाहे वो घायल हो चाहे वो घातक हो, बहुत कमाल की ये फिल्में दी। राजकुमार संतोषी कमाल के डायरेक्टर हैं, चाहे घायल घातक का जैसे मैंने जिक्र किया, अंदाज अपना अपना, लज्जा, खाकी और अजब प्रेम की गजब कहानी, इतनी कमाल की फिल्में, द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। अब एक बार फिर से ये एक मौका है राजकुमार संतोषी के पास भी, सनी देओल के पास भी और ऑफकोर्स आमिर खान इन्वॉल्व है, तो एक बहुत ही कमाल की फिल्म नजर आ सकती है ये फिल्म जो कि है लाहौर 1947, जिसमें प्रीटी जिंटा भी नजर आएंगी। दूसरी फिल्म हम बात करते हैं नन अदर देन भाइयों के भाईजान सलमान खान की। सलमान खान ने इस ईद पर एक ट्वीट किया और अपने दोस्त जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर श्रॉफ और अपने खास दोस्त अक्षय कुमार की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां को प्रमोट करते हुए, साथ में अजय देवगन की फिल्म मैदान को प्रमोट करते हुए इन्होंने ट्वीट किया था कि इस ईद पर तो ये फिल्में देख लीजिए। हालांकि मैंने मैदान देखी, अच्छी लगी और बड़े मियां छोटे मियां का रिव्यू देखकर मैं थोड़ा सा घबरा गया था, नहीं देखी मैंने। तो अगले ईद पर सलमान खान ने कहा है कि भाई सिकंदर आने वाला है। तो सिकंदर साजिद नाडियावाला की ये फिल्म रहेगी जो कि इनके बहुत ही करीब दोस्त हैं, अगले ईद पर रिलीज होने वाली है। लेकिन उससे बड़ी खबर इस फिल्म की ये है कि इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं नन अदर देन गजनी फेम डायरेक्टर मुर्दगोस। तो मुर्दगोस इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे। यार मुर्दगोस बहुत ही कमाल के डायरेक्टर हैं, बहुत ही कमाल की फिल्में उन्होंने बनाई, अच्छा एक्शन पैक्ड फिल्म रहती है। तो ये भी एक फिल्म बजिंग है जो 2025 को देखने को मिलेंगी। जो तीसरी बड़ी फिल्म अगले साल नजर आएगी वो है अजय देवगन की। अजय देवगन साथ में कुलप्रीत सिंह, तब्बू और जिमी शेरगिल की आपको फिल्म याद होगी दे दे प्यार दे। मुझे ये फिल्म देखकर कुलप्रीत सिंह बहुत अच्छी लगी और अफकोर्स सबसे मैं इनको फॉलो भी करता हूँ, बहुत अच्छी खूबसूरत सी ये एक्ट्रेस लगी इस फिल्म में। तो दे दे प्यार दे पार्ट टू ये बन रही है। तो पहले पार्ट में अगर आपने फिल्म देखी होगी तो किस तरह ये जाते हैं और अपनी जो वाइफ है, एक्स वाइफ है, उनको मनाते हैं, तो एक कॉमेडी सीक्वेंसेस बन जाता है। तो अगले सीक्वेंस में, अगले सीक्वल में रकुल प्रीत सिंह के घर जाएंगे उनके पेरेंट्स को मनाने और उनके फादर का रोल कर रहे हैं, रकुल प्रीत सिंह के फादर का रोल कर रहे हैं
अनिल कपूर झगास। तो अजय देवगन और अनिल कपूर का कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा इस फिल्म में, और देखते हैं तब्बू और साथ में रकुलप्रीत सिंह का क्या कैरेक्टर होता है, किस तरीके से उनको रोल मिलेगा। इस फिल्म की भी बजिंग है जो कि 2025 में हमें देखने को मिलेंगी। अगली फिल्म जिसकी बजिंग है 2025 में जो रिलीज होगी, देखिए अगर किसी फिल्म का कंटेंट अच्छा हो और एक्टर थोड़ा सा कमाल का हो ना, तो फिल्म अपने आप बहुत अच्छी हो जाती है, यादगार हो जाती है। अरशद वारसी की अगर हम बात करें, अगर मैं आपसे पूछूं कि अरशद वारसी की कोई फिल्म आप बताएं, तुरंत आप कहेंगे अरे वो जॉली एलएलबी। बिल्कुल, जॉली एलएलबी का इतना कमाल का रोल किया था, स्क्रिप्ट इतनी अच्छी थी उस फिल्म की, लोग आज भी उस कैरेक्टर को याद करते हैं। वो इतना फेमस हो गया था कैरेक्टर कि पार्ट टू फिल्म मेकर्स को बनानी पड़ी, और जिसमें अक्षय कुमार ने इंटरेस्ट लिया और फिर जॉली का रोल अक्षय कुमार ने किया था। अब स्क्रिप्ट इतनी कमाल की लिखी गई है, 2025 में अक्षय कुमार और अरशद वारसी एक साथ नजर आएंगे जॉली एलएलबी 3 में। तो दोनों ही लॉयर हैं, दोनों ही जॉली हैं, और दोनों ही जॉली को देखने का एक मजा ही आएगा। यह भी एक बहुत ही बड़ी फिल्म और कमाल की फिल्म नेक्स्ट ईयर हम देख सकेंगे। अगली फिल्म जो कि 2025 में बड़ी फिल्म रिलीज होने वाली है वो है वॉर 2। वॉर जो कि 2017 की दी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म थी, बहुत ही कमाल की फिल्म थी और बड़े कमाल का उसमें एक्शन था। ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ, लोगों ने पसंद किया। स्पाई यूनिवर्स जो कि यशराज के बैनर पर बनी फिल्म, और उसके बाद ऑफ कोर्स आगे कई फिल्में और भी बनी, उससे पहले टाइगर थी, उसके बाद पठान। एक बार फिर से स्पाई यूनिवर्स की ये फिल्म वॉर 2 नजर आएगी, लेकिन हाँ इस बार सिद्धार्थ आनंद इस फिल्म को नहीं डायरेक्ट कर रहे हैं, अयान मुखर्जी जिन्होंने ब्रह्मास्त्र फिल्म बनाई थी वो इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे। तो इस फिल्म में ऋतिक रोशन तो होंगे ही, लेकिन जूनियर एनटीआर की भी एंट्री हुई है, और कई लोगों ने पहले बजिंग थी कि भाई वो नेगेटिव रोल करेंगे, फिर ये हुआ कि नहीं वो एक सीक्रेट एजेंट का रोल कर रहे हैं। कई पिक्चर्स भी, इमेजेस भी इसकी जो है लीक हुई थी। तो अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या होगा इस फिल्म का, किस तरीके से स्क्रिप्ट लिखी गई है। ऑफ कोर्स एक बार फिर से वॉर 2 को देखने का मजा आएगा, स्पाई यूनिवर्स, ऋतिक रोशन और साथ में जूनियर एनटीआर जिनको आपने आरआरआर में भी पसंद किया वो नजर आएंगे। अगली फिल्म जो 2025 को रिलीज होने वाली है, भाई इतने लोगों की बात हो गई, अगर बादशाह की और किंग की बात ना हो तो कैसे चलेगा। किंग खान, शाहरुख खान जिन्होंने बहुत ही कमाल की वापसी की है पिछले साल 2023 में, बैक टू बैक तीन बड़ी फिल्में, तीन हिट फिल्में उन्होंने दी, पठान और उसके बाद जवान, उसके बाद डंकी। तो अगले साल 2025 में शाहरुख खान की फिल्म किंग देख सकेंगे। यस, फिल्म का टाइटल है किंग। ये फिल्म जब अनाउंस हुई थी तो उस फिल्म में सुहाना खान लीड रोल में थी, ये कहा जा रहा था कि शाहरुख खान इसमें कैमियो रोल करेंगे। ऑफ कोर्स सुहाना जो कि शाहरुख खान की बेटी है, फिर धीरे धीरे ये हुआ कि वो स्पेशल अपीयरेंस करेंगे और सुहाना ऑफ कोर्स एक पैलर रोल करेंगी, लेकिन स्क्रिप्ट और बढ़ती गई। अब ये हो गया है कि शाहरुख खान इस फिल्म के मेन लीड हैं और ऑफ कोर्स सुहाना खान भी इसमें नजर आएंगी। तो ये फिल्म भी अगले साल रिलीज होने वाली है। जो अगली फिल्म 2025 को एक बड़ी फिल्म नजर आएगी, ऑफ कोर्स एक बार फिर से बड़े बड़े नाम हैं इस फिल्म के साथ जुड़े हुए। इस फिल्म में आपको नजर आएंगे रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विकी कौशल। फिल्म का नाम है लव एंड वॉर, लेकिन इस इन सबसे बड़ा जो नाम है इस फिल्म से जुड़ा हुआ वो है संजय लीला भंसाली। संजय लीला भंसाली इस फिल्म को बना रहे हैं जिसमें रणबीर कपूर एक साइकोपैथ का रोल कर रहे हैं, जो कि बजिंग आ रही है। तो अगले साल बहुत ही कमाल की फिल्में रिलीज होने वाली है, जहां पर थिएटर्स जो हैं स्टेडियम्स में बदल जाएंगे। आमिर खान प्रोडक्शन की लाहौर 1947 नजर आएगी, जिसमें सनी देओल नजर आएंगे। वही दे दे प्यार 2 में अजय देवगन, अनिल कपूर नजर आने वाले हैं। जॉली एलएलबी 3 में अक्षय कुमार और साथ में अरशद वारसी नजर आने वाले हैं। शाहरुख खान, सुहाना खान की किंग फिल्म आएगी। वही वॉर 2 एक बार फिर से ऋतिक रोशन और साथ में जूनियर एनटीआर में नजर आने वाले। सलमान खान की सिकंदर और संजय लीला भंसाली, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और साथ में विकी कौशल की लव एंड वॉर, ये फिल्में रहेंगी। तो जरूर इन फिल्मों को हम देखेंगे, और भी कुछ अपडेट्स रहेंगी इन फिल्म्स से रिलेटेड, या फिर और भी कोई हिंदी फिल्में या एंटरटेनमेंट से रिलेटेड। आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर चुके नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी न्यूज, ऐसी खबरें, ऐसी बजिंग ब्रेकिंग न्यूज हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो यहां पर साइनिंग ऑफ, दिस इज आरजे सरकार राज। टिल देन, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।